सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लेनी है सुर्खियों के वल। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके जथेदार दा कौम नूं संदेश, जथेदार दी कौम नूं एकजुट होण दी अपील। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं लैके सिख जथेबंदियां ने कढ़िया खालसा मार्च, 84 दे शहीदां नूं भेंट कीती श्रद्धांजलि। योगराज सिंह सियासत रखणगे कदम, श्री आनंदपुर साहब लोक सभा सीट तो उतरणगे मैदान च, सियासत नाल जुड़न दा कीता ऐलान। अते हुण खबरां विस्तार दे नाल। घल्लूघारा दिवस की याद में श्री अकाल तख्त साहिब ते हुए धार्मिक समागम दौरान भारी इकट्ठ विच संगतां ते वख-वख सिख जथेबंदियां दे आगू पहुंचे। दसनयोग है कि माहौल किसी भी तरह ना बिगड़े, इसे लिए भारी मात्रा च पुलिस फोर्स लगाई गई। श्री हरिमंदर साहब कंपलैक्स के अंदर भी सिविल कपड़िया च भारी मात्रा च पुलिस के अधिकारी दिखाई दिए। घल्लूघारा दिवस के मौके पर श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों कौम के नाँ से संदेश जारी किया गया। उन्होंने अपने संदेश सब नूं एकजुट होने की अपील की है। जथेदार ने कहा कि 84 का वह समा कदे भी भुलाया नहीं जा सकता, सरकार ने साडे जख्मां ते कदे मलम लगाउण दी कोशिश तक नहीं की। उन्होंने कहा कि सानू छोटे छोटे मतभेदों की परवाह नहीं करनी चाहिए, सिख कौम मतभेदों तो उपर उठ के श्री अकाल तख्त साहब की अगवाई च इकट्ठी होवे ते अपनी संस्थावां मजबूत करन दा यतन करिए। उन्होंने संगत को संबोधन करदे कहा कि जिसनों श्री गुरु नानक साहब के दर तो कुछ नहीं मिले, उसनों होर किते भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दर तो कोई वड्डा दर नहीं है। इस करके असी इस घर के नाल नौजवानी जोड़न का यतन करना चाहते हैं। उन्होंने सब नूं रल मिल के बैठन का मौका दिता। उन्होंने कहा कि सिख डरन जां घबराउण वाली कौम नहीं है। इस दौरान अरदास उपरंत शहीदों ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਹਿ ਔਰ ਅਕਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ भारत देश नूं इस गल दी वधाई दिंदा कि एक तख्त ऐसा है जिहदे उत्ते कोई जात पात का वेरवा नहीं है। इस देश ने पिछले दिनों च देखिया जब राम मंदिर जी का स्थापना हुई है उत्थे साडे कोविंद राष्ट्रपति नूं कोई थां नहीं दित्ती, और जब नवा पार्लियामेंट सिखां दी जमीन रायसीना लखीशाह लुबाणे दी जमीन दे उत्ते बनाया उहदे विच भी जिहड़ा राष्ट्रपति उच्च जात पात दा नहीं सी उसनू उत्थे बिल्कुल बुलाया नहीं गया। सो इह तख्त जिहनू साडे बाबा दीप सिंह ने मुड़ के संत जरनैल सिंह ने अपने जान नाल बचाउण दा यतन कीता, अज ओ भगत रविदास साहब दी बाणी इस तख्त तो चलती है और समूह जातां नूं चार दरवाजे खोल के सदा दिंदी है। इहदे जिहड़ा डिफेंस संत जरनैल सिंह सिख स्टूडेंट फेडरेशन ते होर जनरल शबेक सिंह होणा ने कीता अज भी खड़ा है, अज भी चार दरवाजे खुले हैं और अज भी इस जहान वास्ते एक स्थान है जिथे चाहे तुसी जिहड़े मर्जी जात पाते होण थोड़े लिए उरे थां हैगी है। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 39ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਲੀ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ।
ते मार्च विच सैकड़े नौजवान भी शामिल हुए जिन्होंने हाथ विच खालसाई झंडे फड़े हुए सन ते हत्थां विच शहीदां दीआं तस्वीरां लगियां तख्तियां भी चुकियां हुई सन। सिर्फ असी बंदी सिंह की रिहाई की गल इस करके कर रहे हैं क्योंकि इंडियन सिस्टम के तहत भी सजा पूरी कर चुके हैं। सो ये कोई तरला नहीं है, आजादी का जो संघर्ष चलता है हो सकता अगली बारी साड़ी या तुहाड़ी किसी होर की हो। सो जिहड़े आजादी के लिए निकले ने जिन्होंने अपनी कौम के लिए निकलना है जाहिर जी गल दुश्मन उन्होंने अपने हथकंडियां दे नाल दबाउण की कोशिश करेगा। सो ये जिहड़े जिन्ने बंदी सिंह होंदे ने कौम का माण होंदे ने तरस का पात्र रहिंदे ने। सारे अदारे बंद रहेंगे सवाए मैडिकल सहूलतों तो हॉस्पिटल कैमिस्ट शॉप्स जिहड़ियां लैब्स ने वो सारिया खुल्लिया रहनगियां और आवाजाही खुल्ली रहेगी। उदों इलावा चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने चाहे और जिन्ने भी कारोबारी अदारे ने सारे बंद। कलुकारा दिवस के संबंध में गुरु नगरी अमृतसर च सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए। जगह जगह पैरा मिलटरी फोर्स से पंजाब पुलिस की टुकड़ी गश्त कर रही है ताजो कोई भी शरारती अंसर किसी तरह की अनसुखावी घटना को अंजाम ना दे सके। श्री दरबार साहब नू जांदे सारे रस्तियां ते मुकम्मल नाकाबंदी की गई है। पुलिस मुलाजमान खासकर सिविल वर्दी विच भी तैनात किया गया। उधर साका नीला तारा कलुकारे के मद्देनजर रखदिया धूरी विखे DIG क्राइम चंडीगढ़ वालों भारी पुलिस फोर्स के नाल फ्लैग मार्च कटिया गया। कलुकारे के मद्देनजर रखदिया धूरी विखे पुलिस वालों सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना आए। इस तहत धूरी विखे DIG क्राइम चंडीगढ़ वालों पुलिस फोर्स नाल लैके फ्लैग मार्च कटिया गया। फ्लैग मार्च शहर के वख-वख बाजारों में होकर लंघिया। इस मौके पर DIG क्राइम चंडीगढ़ राकेश कौशल ने मीडिया नाल गल करदिया कहा कि कलुकारे के मद्देनजर पूरे पंजाब भर में पुलिस वालों सख्त सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। सुल्तानपुर लोधी स्थित इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब विखे क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह नतमस्तक होने पहुंचे। उन्होंने इतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के दरबार साहिब मत्था टेकिया ते सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने गुरु साहब का आशीर्वाद लिया ते उन्होंने सियासत नाल जुड़िया वड्डा ऐलान भी कर दिया। योगराज सिंह मशहूर पंजाबी अभिनेता ते साबका क्रिकेटर ने योगराज सिंह ने कहा कि अपने गुरु साहब की आग्ञा का पालन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ते उन्होंने गुरु साहब की आग्ञा है कि वह इस बार आने वाली लोक सभा चोणा श्री आनंदपुर साहब तो लड़न ते लोगों के कल्याण लिए अपना बेशकीमती योगदान दें। दस दिए कि श्री आनंदपुर साहब लोक सभा सीट तो कांग्रेस नेता मनीष तिवाड़ी मौजूदा समय में सांसद ने। चंडीगढ़ राजमार्ग ते लंगड़ोया बाईपास नवा शहर विखे दो कारां दी टक्कर विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है जदों की एक व्यक्ति गंभीर जख्मी हो गया। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग हलका बाबा बकाला अपनी फॉर्चूनर कार राही चंडीगढ़ वल जा रहे सन। इस दौरान लंगड़ोया बाईपास नेड़े एक स्विफ्ट कार नाल टक्कर हो गई। स्विफ्ट कार विच सवार बजुर्ग दर्शन सिंह मजारी की मौत हो गई जदों की ड्राइवर बलवीर सिंह धमाई जख्मी हो गया। मौके तो मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान विधायक दलवीर सिंह टोंग की कार विच सवार उन्होंने निजी स्टाफ के मैंबरों नूं भी मामूली सट्टा लगिया ने जिन्हों की हालत खतरे तो बाहर दसी जा रही है। विधायक के PA सरविंदर सिंह ने दसिया कि विधायक दलवीर सिंह टोंग ठीक ठाक ने ते हादसे तो बाद दूसरी गड्डी विच अमृतसर वापस चले गए ने। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोवें वाहनों नूं खेतों चों कब्जे च लैके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी। प्रसिद्ध फिल्म अदाकारा ते राजनीतिक आगू जयप्रदा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक हुई। उन्होंने श्री दरबार साहब की परिक्रमा की। सचखंड श्री हरिमंदर साहब च नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की। लंबे अरसे बाद श्री हरिमंदर साहब पहुंची जयप्रदा ने गुरु घर के दर्शनों का मौका मिलन से खुशी का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि श्री हरिमंदर साहब के दर्शनों नाल जो सुकून मिले उसनू शब्दों च बयान नहीं किया जा सकता। गुरु महाराज जी के गुरुपर्व हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सारे संत गुरु जी को मेरा प्रणाम और यहाँ इस धरती पर कदम रखती हूँ
तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। मैं वातावरण के लिए आप बहुत कुछ कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान क्या है और आज भी एक समागम करवाया गया है, आपके लिए क्या कहना चाहिए आप? देखिए आज ये जो वातावरण के लिए हम लोगों ने पूरे जो है ये कार्यक्रम किए हैं उसी सिलसिले में मैं यहाँ आई थी, और चाहती हूँ कि मैं सारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा है। जिला फिरोजपुर विच लुट दियां वादियां घटनावां कारण आम लोकां च सहम दा माहौल है। फिरोजपुर कैंट डीएवी कॉलेज नेड़े फिर तो 4 लाख की लुट की वारदात को अंजाम दिता गया। पीड़ित तहसीलदार रहने वाला सी, जदों नकदी लैके घर परत रहा सी तां लुटेरिया ने तेज धार हथियारां नाल लुट की वारदात को अंजाम दिता है। मौके पर पहुंची पुलिस वालों घटना की जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बटाला पुलिस अधीन पेंदे कस्बा फतेहगढ़ चूड़िया के पिंड झंझिया विखे फतेहगढ़ चूड़िया इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम अंदर दाखिल होकर मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरिया ने लुट की नीयत नाल गोलियां चला दित्तियां। इस घटना में जानी ते माली नुकसान तो बचा रहा, पर लुटेरे गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही फतेहगढ़ चूड़िया पुलिस थाने की पुलिस टीम डीएसपी एसएचओ की अगवाई हेठ मौके पर जांच करने लिए पहुंची, पर मीडिया के कैमरे के सामने अपनी नाकामी को बचाते हुए कुछ भी बोलने तो इनकार कर दी नजर आई। असला एक्ट के मुलजम गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह ढाहा उर्फ बाबा नू नंगल की अदालत में पेश किया गया, जिथे नंगल पुलिस ने दिलप्रीत सिंह बाबा खिलाफ असला एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया। इसे तहत नंगल पुलिस ने होर डूंगाई नाल पूछगिछ करन लई मानयोग अदालत तो 5 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की, पर मानयोग अदालत ने दिलप्रीत सिंह ढाहा का 1 दिन का रिमांड नंगल पुलिस को दे दिया। गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह जिसते सरपंच सतनाम का कतल, सैक्टर 43 नेड़े पुलिस से गोलीबारी, गायक परमीश वर्मा गोली मारन वगैरह गंभीर मामले दर्ज ने, जिसके मद्देनजर पुलिस ने गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह नू सख्त सुरक्षा हेठ मानयोग अदालत विच पेश किया। दक्षणी कोरिया विखे शुरू हुई अंडर 20 एशियन एथलैटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन ही हलका श्री हरगोबिंदपुर साहब के पिंड शाहबाद के 18 साल एथलीट भारतप्रीत सिंह ने डिस्कस थ्रो मुकाबले विच सोने का तमगा जीतते हुए भारत पंजाब ते पंजाबियत का नाम रोशन किया। भारतप्रीत सिंह PIS सेंटर का खिडारी है, जिसने 55.66 मीटर थ्रो विच जित हासिल की है, जिसकी माता को खुशियां संभालिया नहीं जा रही। बटाला सांझ केंद्र के इंचार्ज से पंजाब पुलिस के सब इंस्पैक्टर रजिंद्रपाल सिंह ने कहा कि भारतप्रीत सिंह बहुत मेहनती बच्चा है, उसके सुपने भी वड्डे ने, उसकी माँ रजनी ने मेहनत के नाल अपने बच्चे पाले। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंदा है। नवियां ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे, तद तक लई दिओ इजाजत, धन्यवाद।